प्रोटोन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटोन इलेक्ट्रॉन। हे वेलकम टू हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी चौहान। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है दोस्तों नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? शुद्ध भाषा में यार, आज की जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है। हम 1 मिनट भी इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं रह सकते। कोई भी यार, जैसे फोन में हम वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हुआ है, पक्का चल रहा है ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ब्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पानी गर्म करना, खाना बनाना इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है। पर हम सभी इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हैं, और शुद्ध भाषा में बोला जाए तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। कैसी एनर्जी? एक कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक सुविधाजनक एनर्जी है। बहुत यूजेज हैं इसके, जैसे एलिवेटर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हीटिंग। और इसका पता तब लगा जब इसके ऊपर थ्योरी निकाली गई, थ्योरी डेवलप हुई, एक्सपेरिमेंट हुए, तब जाके लगा बस ये बात का पता कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है। और ज़्यादा समझने के लिए हमें पहले मैटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि मैटर क्या है। मैटर पढ़ेंगे, मैटर के बाद आएंगे हमारे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बाद एटम आएंगे, उससे लगेगा पता कि कहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूव करते हैं किसी मैटर में। जैसे मटेरियल है, इसमें कहाँ न्यूक्लियस है, कहाँ प्रोटॉन है, कहाँ इलेक्ट्रॉन है इसके। तो आइए डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या होता है। तो क्या होता है मैटर भाई, बताओ भाई क्या हुआ मैटर, क्या होता है मैटर? मैटर हुआ भाई, वो मैटर होता है, सॉरी, एक्यूपाई स्पेस एंड बिट, जिसका जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसका कोई वजन होता है। ये भी क्या एक मैटर है? मेरे फोन क्या है? मैटर है। मैं कूद गया हूँ, मैटर में किसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। ऑक्यूपाई स्पेस या वेट, और जैसे एग्जांपल हो गया आपका मेटल की चीज़ें हो गई, जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, लिक्विड स्टेट में वाटर हो गया, सब क्या है जो किसी स्थान को एक्यूपाई कर रहे हैं, जिसका वजन है, वो क्या है? मैटर। और मैटर किससे बनता है? एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल नोन एज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनता है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलों से बनता, अणुओं से, छोटे छोटे अणुओं से मैटर बनता है, अणुओं से बनते हैं परमाणु। परमाणु कहाँ से निकलते हैं? अणुओं से, एटम, ए आपका एटम, ए अणु, अणु से निकलते हैं परमाणु, याद रखना परमाणु, एटम। तो आइए हम एटम के बारे में पढ़ते हैं कि एटम में कहाँ न्यूक्लियस होता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ प्रोटॉन होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट एटम, एटम के बारे में। तो एटम के बारे में डिस्कस करते हैं, ये है आपका एटम। एटम में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, याद रखना, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिट गोले में। अरे यार सीधी बात है, याद रखो याद, सन क्या है? सन को आपको मान लो न्यूक्लियस मान लो, और इसे अराउंड में जितने भी प्लेनेट घूम रहे हैं वो क्या है आपके? इलेक्ट्रॉन है बस, या क्या? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस किससे बनता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन, प्रोटोन से बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, कितना इसके ऊपर चार्ज होता है, ये आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये तो दोस्तों एक मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, हम तो अभी एडवांस तक जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा टॉपिक है यार, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, मैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक में आपको लग जाएगा पता यार कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ऐसी चीज़ है, मैग्नेटाइज्म जी है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है। जहाँ मैग्नेटाइज्म होगा वहाँ आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे याद रखना। जहाँ करंट प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ कम मैग्नेट भी है, क्योंकि एक कोई वायर है आपकी, मान लो कोई वायर, इसमें करंट जा रहा है तो उसके अराउंड में ना, अराउंड फील्ड में, एरिए में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। फिर हम पढ़ेंगे मोटरों के बारे में, इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसमिशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है,
सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी बेसिक है, क्या पढ़ेंगे हम? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? किसने की थी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की? यू नो, जानते हो आप? आई नो, जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन। और इसके ऊपर चार्ज होता है 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, माइनस में। और मास कितना होता है इसका? 9.107 × 10⁻³¹ kg। ए इसका मास हो गया, ए इसका इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी हो गई। ए इतना चार्ज होता है इसके ऊपर, ए याद रख लेना। अब आ गया आपका प्रोटोन। प्रोटोन प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज, सेम ही होता है, सिर्फ प्लस लग जाएगा। प्लस लग जाएगा 6 × 10⁻¹⁹ मास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मास इसका ये होता है 1.67 × 10⁻²⁷⁷ kg। और भाइयों एक बात याद रख लेना आप, कि इलेक्ट्रॉन बड़ा होता है कि प्रोटॉन बड़ा होता है या न्यूट्रॉन बड़ा होता है, या तीनों बराबर होते हैं, या तीनों को बराबर ही मास होता है। क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें ये डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन छोटा होता है देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ईच है मास इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वली देन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से 1800 टाइम ज़्यादा होते हैं वो। आइए नोट कर लेते हैं, आइए इसको नोट कर लेते हैं। नोट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ईच है मास 1800 टाइम देन इलेक्ट्रॉन, 1800 भी हो सकता है, 1837 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। आईटीआई वाली बुक में 1800 बताया गया है, जैसे आप बीटेक की बुक लोगे उसमें 2000 बताया गया, और इंटरनेट पे 1837। तो इसको रिमेम्बर कर लेना कि ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में से एक तो होगी होगी, तो आप हमेशा याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बेसिक में, जैसे लाइनमैन वाले टेस्ट हो गए, उसमें बहुत एडवांस नहीं आएगा टेस्ट आपको। सिंपल में तो ऐसे पूछ लेंगे, कौन सा मतलब बेसिक में पूछना हो तो ऐसे पूछ लेंगे आपसे कि प्रोटोन बड़ा कि न्यूट्रॉन बड़ा, ये इलेक्ट्रॉन बड़ा है। तो इसको आप नोट कर लेना। और हाँ एक बात रह गई यार, मैंने आपको यही बताया कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी, पर प्रोटॉन की खोज किसने की थी पता है आपको? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने है स्टेन यार, वो स्टेन ने साउथ अफ्रीका वाला बॉलर नहीं, स्टेन जो बॉलिंग करवाता है, कितनी अच्छी बॉलिंग करवाता है स्टेन यार, प्रो बोनी, ए साइंटिस्ट है ये गोल्डस्टीन, 19वीं शताब्दी का है यार, ये तो 21वीं शताब्दी लगी है, कहाँ 19वीं शताब्दी यार, 1800 कुछ में ही थी खोज इसने प्रोटोन की। अब आ गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। चैडविक याद रख लेना। और एक बात, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या बताया? वो नहीं बताया मैंने आपको, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्टली सेम ही होता है, इतना ही होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg, याद रख लेना। और हाँ एक बात, बल कूलम इजिकल टू 6.29 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। मान लो कोई मेटल का टुकड़ा है, ये मेटल का टुकड़ा है, इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन है, 1000 इलेक्ट्रॉन एक जगह बैठे हुए हैं, मैं इलेक्ट्रॉन हूँ यार, मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन है, आपने बाहर से एक कूलम का चार्ज दे दिया, सिर्फ एक कूलम का देना, सिर्फ एक कूलम, तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे? तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे 6.29 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, 6.29 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, चाहे इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको बात को याद रख लेना। और एक बात याद रखना दोस्तों, कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स y/किलोमीटर/सेकेंड, एक सेकेंड में, पर सेकेंड में, सॉरी पर सेकेंड में, हर सेकेंड में, एक सेकेंड मान लो, अब हर सेकेंड में 2200 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं,
क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, तो इसको भी रिमेम्बर कर लेना प्लीज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पर सेकंड 2200 किलोमीटर पर सेकंड ट्रैवल करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, याद रख लेना इसको। ये आ भी सकता है पेपर में, आज तक हमें नहीं आया। मैंने बहुत टेस्ट दिया, लाइन मैंने का टेस्ट दिया, अभी मैंने सब स्टेशन का टेस्ट दिया, पर मेरा जीके थोड़ा वीक है यार, मैं जीके में रह जाता हूँ यार। इलेक्ट्रिसिटी मैं निकाल देता हूँ, इलेक्ट्रिस पोर्सन में निकाल लेता, पर जीके जीके नहीं है मेरा इतना अच्छा। बहुत मजाक हो गया यार। अब पढ़ेंगे हम एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट क्या है, इससे लगेगा आपको पता कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं और प्रोटॉन कहाँ होते हैं। तो आइए, ये आपका जैसे पहले आपको एलिमेंट, एलिमेंट कहाँ होते हैं, एलिमेंट पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा आपने 9th और 10th में, पढ़ा है आपने 9th और 10th में, और +1 में भी है पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री की वाली बुक में, और +2 में भी है। जैसे उसका पहला एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन, ऐसे ऐसे चलते हैं। उसमें नोबल गैसें भी आती है, मेटल भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं। तो ले लेते हैं एक मेटल यार, एलिमेंट कौन सा, कॉपर ले लेते हैं। कॉपर का कितना है, 29, 29 मान लो एटॉमिक नंबर 29 है। एटॉमिक मास कितना है, 60 या 62, इतना हो सकता है, डबली मानते हैं इससे। और ये आ गया आपका बीच में न्यूक्लियस, इसी अराउंड में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पहले फेज में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 8 आ गए, याद रख लेना दोस्तों 8 आ गए। तीसरे में कितने आ गए, 18 आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन है, याद रखना 18 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट में आ गए 1 इलेक्ट्रॉन फ्री। इससे हम फाइंड करते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी कितनी है, कितना कंडक्टर है ये, 3 इलेक्ट्रॉन से पता लगता है हमें। और कॉपर से ऊपर आता है हमारा सिल्वर, 47 एटॉमिक नंबर, सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है। और सिल्वर से ऊपर आता है गोल्ड, पर हम सिल्वर को ही मानते हैं। मैंने ITI वाली बुक में देखा, वहाँ पे सिल्वर ही बताया गया है, वहाँ 98% बताया गया सिल्वर की, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो पता है आपको, इंडिया में इसकी भरपूर मात्रा में यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है यार, खुद देख लो यार, ट्रांसमिशन लाइन में भी कॉपर ए सॉरी एल्यूमिनियम यूज़ है, मोटरों में, जनरेटरों में बाइंडिंग बनाने के लिए एल्यूमिनियम का यूज़ है, या आपके बर्तन जो इसमें आप खाना खाते हो एल्यूमिनियम के बनते हैं। तो एल्यूमिनियम इंडिया में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और कनेक्टिविटी भी अच्छी होती है, मतलब देन कॉपर, देन कॉपर नहीं, कॉपर की ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से, याद रखना भाई। सिल्वर से बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आता है 4th नंबर पे, पहले पे गोल्ड है। पर हम गोल्ड को यार मानते नहीं, गोल्ड बहुत ही महंगा है यार, बहुत महंगा, गोल्ड कौन कर लेगा यूज़। गोल्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में यूज, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, जैसे कंप्यूटर बनाने, PC वगैरह, वहाँ पे किया जाता है गोल्ड का यूज़ ज़्यादातर। सिल्वर का यूज़ भी जैसे फ्यूज, HRC फ्यूज, हाई फाई फ्यूज, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में फ्यूज होते हैं यूज, हाई फाई HRC टाइप, वहाँ पे मोटरों में जैसे मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए फ्यूज की यूज़ की जाते हैं, वहाँ पे होता है सिल्वर का यूज़, क्योंकि कनेक्टिविटी इसकी अच्छी होती है। और एक बात याद रखना हमेशा, ऐसा दुनिया में कोई कंडक्टर नहीं बना है जिसकी 100% कंडक्टिविटी है, आज तक किसी ने खोज नहीं की। और सीधी बात यार, आइडल पर्सन कोई नहीं होता, आइडल चीज आज तक कोई नहीं बनी, 100% कोई चीज नहीं है, 100% शुद्ध कोई चीज नहीं है, ये बात आप याद रख लेना। तो हो गया कॉपर, सीधा इसके इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, KLMN, K में 2 होंगे, इसमें 8, इसमें 18, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, आ गया टोटल 29। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, करंट एंड इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है। तो लेट्स स्टार्ट, फास्ट फास्ट करते हैं। करंट क्या है दोस्तों, करंट को पता है आपका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वहां करंट है। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, जितना चार्ज जाएगा कितने टाइम में जाएगा, कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा, 5 सेकंड, अरे 10 मिनट लगते हैं, कोई बल्ब को जलाने के लिए 10 मिनट लगते हैं, ये तो 1 सेकंड का भी काम लगता, माइक्रो मिली सेकंड में यार, बहुत ही मिली सेकंड में, मिली सेकंड का टाइम लगता है। तो चार्ज के कूलम, टाइम के पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, और करंट के एक और यूनिट है एम्पियर। और करंट और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है, तो आइए हम इसको सर्किट के अकॉर्डिंग समझेंगे। मान लो एक सर्किट है दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे यार, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक पक्का कर दिया करो प्लीज़,
क्योंकि ये चैनल मैंने नया क्रिएट किया है, हिमाचल इलेक्ट्रिशियन अड्डा। और अभी तक मैंने कितनी 12-13 वीडियो डाली है और आज तक कोई अच्छे व्यू नहीं आए। क्यों मैंने अच्छी वीडियो डाली नहीं है? और ये आपको शायद अच्छी लग जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक पक्का कर देना। मान लो बैटरी है पॉजिटिव तो करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट चलता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट का मेन मकसद क्या है? कि मैंने मानस तक पहुंचना है, चाहे बीच में कुछ भी आ जाए, चाहे बल्ब आ जाए, चाहे जेड़ा मर्जी लोड आ जाए, मेरा मकसद है मानस तक पहुंचना। पर हम सोचेंगे यार मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद नहीं है इसको यहाँ तक, मेरा मकसद है बल्ब को ब्लो करना, है ना आपका मकसद? तो चलो यार बीच में से तोड़ ही देता हूँ इसको, लो तोड़ दिया मैंने, कर दिया ब्रेक मैंने यार। तो मेरा मकसद है बल्ब को ब्लो करना, प्लस का मकसद है मानस का तक पहुंचना। चलो ठीक है यहाँ से चला प्लस, ठीक। यहाँ पहुंच गए तो वो सोच गए इन्होंने तो आगे रास्ता तोड़ दिया, तो मैं क्यों जलाऊं बल्ब को, मैं भी पीछे बैक मार देता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है मानस तक पहुंचना। फाइटिंग करनी है इसके साथ, लड़ना है इसके साथ, प्लस का मेन मकसद है मानस तक पहुंचना। और एक बात, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक आपका बल्ब ब्लो नहीं करेगा। हम सोच आ ये बात याद रखना कि चलो यहाँ से प्लस चलेगा तो बल्ब जल जाएगा, फिर तब जाके सर्किट कंप्लीट होगा। पहले सर्किट कंप्लीट होता है, उसके बाद होता है अगला काम, उसके बाद होता है अगला काम। तो वही बात, अगर बीच में सर्किट, चलो ठीक है पहले बल्ब जलेगा बाद में सर्किट कंप्लीट होगा, अगर ऐसा कुछ होता तो ठीक है सर्किट तोड़ देते हैं बीच में से, तो बल्ब तो तब भी जल जाएगा यार। क्यों पहले तो बल्ब, क्योंकि प्लस का मेन काम क्या है? पहले पहले मानस तक पहुंचना, पहले मेरा सर्किट कंप्लीट करना, यही तो बात होती है यार। या तो आप किसी ट्रांसमिशन लाइन को पकड़ लो या कोई फेस वाली तार को पकड़ लो, आपको शौक लगेगा। जब तक आप मतलब अर्थ से टच नहीं है तब तक आपको शौक लग गया, चाहे आपने ट्रांसमिशन लाइन 33 KB की पकड़ ली, 11 KB की पकड़ ली, जब तक आपकी बॉडी अर्थ से टच नहीं है ना तब तक आपको मतलब शौक नहीं लग गया, मतलब आपकी बॉडी किसी अनदर बॉडी से टच नहीं होनी चाहिए। फिर आप जेडी मर्जी लाइन पकड़ ले, जाए 33 पकड़ा जाए, 11 KB पकड़ा, आपको नहीं लगेगा शौक। ये बात याद रख रख लेना, करंट डिपेंड अपॉन कंप्लीट सर्किट, सर्किट लूप, इस लूप पे डिपेंड है। तब जाके मतलब तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता ना ऐसे, तब तक कोई भी चीज़ मतलब जल्द मतलब काम नहीं करती सर्किट। तो मतलब आपने ये मान लो ये आप खड़े हैं, खंबा है ऐसे, ये खंबे ये तार जा रही है 3 फेस, मतलब ये 3 फेस, आपने एक तार पकड़ ली हाथ से, ये भी यहाँ से पकड़ ली, ये आप मान लो ये आप हो, और आपकी बॉडी अर्थ से टच नहीं है तो आपको शौक नहीं लगेगा। और आपकी बॉडी बाय चांस है इस खंबे से भी टच हो गई ना तो आपको शौक लग जाएगा, क्योंकि करंट का क्या मेन मकसद? अर्थ होना, सर्किट कंप्लीट करना। तो यही रूल है यहाँ पे भी, पॉजिटिव का काम है नेगेटिव तक पहुंचना और नेगेटिव का काम है पॉजिटिव तक पहुंचना। मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और दोनों साथ में चलते हैं, पर चलते हैं डिफरेंट रास्ते होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। ऐसे नहीं होता है कि पहले अलग हो जाता है दूसरा बाद में आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर पॉजिटिव चलेगा तो यहाँ से तो नेगेटिव भी निकलेगा यहाँ से, याद रख लेना भाई इस बात को। और यही होता है करंट और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, और मैंने आपको बता दिया, मैं आपको हिमाचल इलेक्ट्रिशियन अड्डा चैनल का क्रिएट किया है मैंने, और मैं इसमें आपको सब कुछ बताऊंगा। ये तो सिर्फ एक बेसिक था यार इलेक्ट्रिसिटी का, कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे चलती है। अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे प्रोडक्शन, इसके यूजेस पढ़ेंगे, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक पक्का।